Hello friends, welcome to Gyan Shree Education Tutorial. Here I am Diksha Sharma. In today's lecture, I will teach you Super 15 questions of English for HTET, PGT, TGT and PRT set 8. From 1 to 7 we have already discussed. Start karte students. First question is, change the following into indirect speech. Narration ka question hai, sentence dekhte hain. Ram said to Shyam, why did you go there yesterday? Option hai, Ram asked Shyam why he had gone there the previous day. Option B is, Ram told Shyam that why did you go there the previous day. Option C, Ram asked Shyam why he went there the previous day. And option D, Ram told Shyam why he had gone there the previous day. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है, सेट टू क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और शाम क्या है ऑब्जेक्ट, और ये वाला पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच. जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वर्ड वाई से स्टार्ट हो रही है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जो एंड है लास्ट में वो भी इंटरोगेटिव साइन से क्वेश्चन मार्क से हो रहा है. ठीक है, तो जब ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेम क्वेश्चन वर्ड का जिससे स्टार्ट हो रहा है. जैसे इस केस में वाई है तो वाई से ही हम कनेक्ट करेंगे. प्लस इसके अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो डायरेक्ट के अंदर, तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, जिसके लिए है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट, और जो यू है वो किसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शाम, तो आ जाएगा यू के लिए ही, सॉरी. ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स ये किसमें फुलफिल हो रहा है. और जब ये इंटरोगेटिव है तो सेट टू किसमें चेंज हो जाता है, आस्क में. तो राम आस्क शाम वाई ही हैड गोन देयर. यू जो है वो पहले आएगा और किससे चेंज होगा, शाम से. तो यू की जगह शाम से चेंज हमने किया, ही आया. हैड गोन क्योंकि हमने पास परफेक्ट में किया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर का देर ही रहेगा, और यस्टरडे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द प्रीवियस डे में. दैट इज इसमें ऑप्शन ए हो जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कि राम आस्क्ड श्याम व्हाई ही हैड गोन देयर द प्रीवियस डे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉम्प्लीमेंट. हमें सिनोनिम बताना है, मतलब वही जो सिमिलर इन मीनिंग हो. कॉम्प्लीमेंट का बताना है. फर्स्ट ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब होता है स्टूडेंट, वो होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना. ऑप्शन देखते हैं इसमें. पहला जो है प्रेज, प्रेज मतलब वही प्रशंसा या फिर तारीफ करना. सेकंड इज कमांड, मतलब आदेश देना. ऑप्शन सी इज ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन. एंड लास्ट ऑप्शन इज सेंसर, सेंसर मतलब निंदा करना. तो इसमें हमसे सिनोनिम पूछा गया था, जो मीनिंग में सिमिलर हो, तो कॉम्प्लीमेंट जो प्रशंसा है उसका भी क्या हो जाएगा, प्रेज मतलब प्रशंसा करना. दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. जो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब जो स्पेलिंग वाइज करेक्ट है, वो हमें चूज करना है. फर्स्ट इज फॉर्चुटस, बी इज कमीशन, सी इज रिसर्जेंस, एंड लास्ट इज हैपहैज़र्ड. तो स्टूडेंट्स इनमें से चारों में से बी सी डी आपके इनकरेक्ट है. जो करेक्ट स्पेलिंग वाइज है वो है आपका फॉर्चुटस, जिसका मतलब क्या होता है, आकस्मिक, आकस्मिक या फिर दैवी से बोल सकते हैं. ये जो है तीनों आपके इनकरेक्ट है. जो करेक्ट स्पेलिंग होगी इसमें तो आ जाएगा सी डबल ओ एम आई डबल एस आई ओ एन ई डी, इसमें आ जाएगा आर ई एस यू आर जी ई एन सी ई, और इसमें आ जाएगा एच ए पी एच ए जेड ए आर डी. ये तीनों इनकरेक्ट दी हुई थी, मैंने आपको करेक्ट करके दी. प्लस हमें इसमें से करेक्टली स्पेल चूज करनी थी, तो वो थी आपकी फॉर्चुटस, जिसका मीनिंग होता है आकस्मिक. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना हमें. सेंटेंस है हमारे पास दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, वह जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब वो होना ही है, टाला नहीं जा सकता जिसे. फर्स्ट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अनिवार्य या फिर अटल. बी इज अनरिस्ट्रेंड, अनरिस्ट्रेंड का मतलब अनियंत्रित. सी इज अनवेरिंग, अनवेरिंग का मतलब जिसे चेंज ना किया जा सके, आप कह सकते हो अपरिवर्ती.
एंड डी इज इंटीग्रल. इंटीग्रल का मतलब मिलाना, एकीकरण करना. तो इसमें हमें बताना था दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे नहीं टाला जा सके, तो हो जाएगा अटल या फिर अनिवार्य, दैट इज इनएविटेबल. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. हमें एंटोनिम बताना, मतलब जो मीनिंग में अपोजिट हो. गिवन वर्ड इज कंडेम. कंडेम जो है वर्ड है हमें गिवन, इसका हमें बताना है वेदर. ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट इज अबेंडेंट, बी शिफ्टेड, सी इज एक्विस्ट एंड डी इज लोड. इसमें जो कंडेम है इसका मतलब होता है निंदित करना या निंदा करना, राइट. अबेंडेंट का मतलब होता है रद्द करना. शिफ्टेड स्थान बदलना. एक्विस्ट मतलब संतुष्ट. एंड लोड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना. तो हमें कंडेम्ड का बताना था, कंडेम्ड मतलब निंदित या फिर निंदा करना, इसका उल्टा हो जाएगा लोड मतलब प्रशंसा करना. दैट इज डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट अल्टरनेटिव. आई डू नॉट लाइक सच फ्रेंड्स डैश कम टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पजेस, कि मुझे वो दोस्त पसंद नहीं है जो मेरे पास सिर्फ स्वार्थी उद्देश्यों के लिए ही आते हैं. देखते हैं ऑप्शन, फर्स्ट इज हु, सेकेंड इज विच, थर्ड इज दैट एंड लास्ट इज एस. तो इसमें बात की गई है ऐसे मित्र पसंद नहीं, मतलब इंसान की बात की गई है, तो इसमें आ जाएगा हु कम टू मी, दैट इज ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. कि आई डो नॉट लाइक सच फ्रेंड्स हु कम टू मी ओनली फॉर सेल्फिश पर्पजेस. नेक्स्ट इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द idiom और फ्रेज. आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टूडे, कि मैं आज घर पे रुकने जा रहा हूं बिकॉज, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, क्योंकि अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, बीमार, सिक, ठीक है. तो अंडर द वेदर के लिए ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट इज अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब दुखी. बी इज डिप्रेस्ड मतलब अवसादग्रस्त. सी इज इरिटेटेड मतलब चिढ़ा हुआ, और सिक मतलब बीमार. अंडर द वेदर का मीनिंग पूछा हुआ है तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अंडर द वेदर मतलब बीमार होना, तो इसमें जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सिक विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ही मे गो होम, वह घर जा सकता है डैश. फर्स्ट ऑप्शन इज आफ्टर हिज वर्क इज फिनिश्ड. ऑप्शन बी इज हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. ऑप्शन सी इज आफ्टर हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क. और ऑप्शन डी आफ्टर हिज वर्क बीइंग फिनिश्ड. तो वह घर जा सकता है अपना कार्य पूरा होने के बाद, दैट इज After his work is finished, he may go home after his work is finished. That is option A will be the right answer. Next question is choose the correct alternative. No sooner did he open the door, dash cobra was sighted lying just near threshold. कि जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दहलीज के पास कोबरा देखा गया. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, ऑलमोस्ट दोनों कार्य साथ साथ हुए हैं, तो नो सुनर के बाद जो है कौन क्या लगता है हमेशा, देन. ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन का एग्जांपल है. खैर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट इज दैट, बी ऑप्शन इज वेन, सी ऑप्शन इज देन एंड डी ऑप्शन इज एस. तो मैं आपको बता चुकी हूँ नो सुनर के बाद देन का प्रयोग होता है, तो इसमें आ जाएगा देन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. तो इसकी ट्रांसलेशन दोबारा देख लेते हैं, नो सुनर डिड ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, देन कोबरा वाज साइटेड लाइंग जस्ट नियर थ्रेशोल्ड. तभी या उसी समय, देन का होता तभी या उसी समय, कोबरा दरवाजे दहलीज के पास देखा गया, तो इसमें जो है देन का प्रयोग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो हमें चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज अनलेस ही डज नॉट बिहेव वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम. अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम. थर्ड ऑप्शन अनलेस ही बिहेव्स वेल यू शुड पार्डन हिम. ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज अनलेस ही डज नॉट बिहेव्स वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम. तो फ्रेंड्स इसमें जो है आप चारों देखोगे तो जो सेकंड वाला है वो आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि अनलेस ही बिहेव्स वेल की वह जब तक अच्छा व्यवहार नहीं करता, यू शुड नॉट पार्डन हिम, तुम्हें उसे क्षमा नहीं करना चाहिए. अनलेस जो है
इटसेल्फ एक नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव नहीं लगेगा. जो दूसरे वाला पोर्शन है उसमें नोट आ जाएगा यू शुड नॉट पार्डन हिम, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. इसमें देखिए नोट अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा फर्स्ट वाले में. सी वाले में अनलेस के साथ चलो नोट नहीं है लेकिन इसमें भी नोट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट. लास्ट वाला अनलेस ही डज नॉट बिहेव वेल यू शुड नॉट पार्डन हिम, वही अनलेस के साथ नोट करते हो तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रक्चर वाइज ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव. ऑलमोस्ट द एंटायर सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रिक्स डैश करप्शन, की लगभग सारा सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा करप्शन से मतलब भ्रष्टाचार से भरा हुआ है. ठीक है तो रिक्स के बाद इसमें क्या प्रीपोजिशन हमें यूज करनी है ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट इज इन, बी इज फ्रॉम, सी इज ऑफ एंड डी इज अबाउट. तो सर जो रिक्स के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो होती है ऑफ. रिक्स ऑफ मतलब दुर्गंध आना या फिर दुर्गंध से भरा हुआ होना. हमने जैसे किया था कि लगभग सारा प्रशासनिक सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा भ्रष्टाचार से भरा हुआ, तो से भरा हुआ होना मतलब रिक्स ऑफ, तो इसमें जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच. हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है. ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, फ्रेंड्स ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए जो एडजेसेंट लेटर है जैसे इसका पी पी और पी, ये जो है आपके सेम सेम है तो इस केस में जो अलंकार यूज होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे हिंदी में भी हम यूज करते हैं. इसमें बोला जाता है एलिट्रेशन राइट. जैसे तो इसके अंदर जो पैक है वो भी पी से, पिकल्ड भी पी से और पेपर्स भी पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब जो ये एडजेसेंट लेटर है तीनों का सेम है. तो इस केस में जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं राइट. ऑप्शन देख लेते हैं. खैर फर्स्ट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस का मतलब होता है बिलोंग, बी इज एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार, सी इज ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन मतलब विरोधालंकार, एंड लास्ट इज यूफीमेज़म मतलब इसमें हो जाएगा आपका शिष्ट भाषण. खैर हम देख चुके हैं कि जो पैक और पिकवर्ड और पेपर्स में जो आपके एड्रेसेंट लेटर्स थे वो सभी सेम सेम थे, मतलब इसके अंदर क्या है अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन, दैट इज बी विल बी राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव. हमें बताना है कि इसमें ब्लैंक में क्या आना चाहिए. स्टेटमेंट इज ही वाज, सॉरी मैं ऑफ कर लूं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव. हमें ब्लैंक फिलअप करना है करेक्ट अल्टरनेटिव के साथ, देखते हैं. ही वाज बेलिजरेंट एंड ए बिट डैश, कि वह बेलिजरेंट का मतलब होता है लड़ाकू या फिर युद्धकारी, कि वह लड़ाकू था एंड ए बिट डैश. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ ए रेबिलियस, रेबिलियस का मतलब विद्रोही किस्म का. रेबिलियन, बी ऑप्शन इज रेबिलियन मतलब विद्रोह. सी इज रिबेल विद्रोह करना, एंड डी ऑप्शन इज रिबेलियस, रिबेलियस मतलब विद्रोही. तो वह लड़ाकू था और थोड़ा सा विद्रोही था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट आंसर. ही वाज बेलिजरेंट एंड ए बिट and a bit rebellious, right? कि विद्रोही. Next is what length is your plot? कि तुम्हारे plot की लंबाई कितनी है, right? तो इसमें जो what underlined part है वो हमें बताना है. The underlined word in the above sentence is a or an. Whether it is adjective, it is pronoun, it is adverb or it is noun. तो देखिए students, what length is your plot? कि जो तुम्हारा plot है, वो लंबाई में कितना है? मतलब लंबाई में कितना है? मतलब पूछा गया है कि यहाँ पे वो एक क्या है? लंबाई जो है यहाँ पे आपका एक नाउन है और इसके साथ वर्ड प्रयोग हुआ है, तो ये आपका क्या एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव भी कौन सा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं कि वो नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं. यहाँ पे लेंथ आपका क्या है? नाउन है, तो उसके साथ प्रयुक्त होके उसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में,
की लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्लॉट की लेंथ कितनी है, तो जो लेंथ व्हाट है वो क्या है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी कौन सा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस है हमें चूज करना है, देखते हैं। फर्स्ट इज हाउ डेयर यू टच मी, बी इज हाउ डू यू डेयर टच मी, सी इज हाउ डेयर यू टू टच मी एंड डी इज हाउ डेयर यू टू टच मी। तो सिंस देखिए जो हाउ के बाद हमेशा जो मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आती है वो डेयर आती है, राइट। उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है कि हाउ प्लस डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है किसमें फुलफिल हो रही है, ये हो रही है ऑप्शन ए के अंदर कि हाउ प्लस डेयर प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे यू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दैट इज हाउ डेयर यू टच मी हो जाएगी करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। तो सिर्फ ये जो सेट था आपका जिसके अंदर हमने सेट एट डिस्कस किया, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू।